आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव वैसे तो अभी चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता हैं और अपने राज्य से दूर, घर से दूर, बीमारी की वजह से रांची स्थित रिम्स अस्पताल में इलाजरत हैं। लेकिन सजा याफ्ता और इलाजरत होते हुए भी लालू चुनाव के लिए बिछी चुनावी बिसात पर उम्दा तरीके से चाल चल रहे हैं। लालू लोकसभा चुनाव की अहम धुरी बने हुए हैं और रिम्स से ही अपने चुनावी पत्ते खेल रहे हैं। लालू ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी के रूप में ऐसा ही एक पत्ता और चला है। इस किताब में लालू यादव के एक दावे को लेकर बिहार में घमासान मच गया है। लालू ने अपनी आत्मकथा में दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होने के 6 महीने बाद दोबारा से महागठबंधन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन इसके लिए वो राजी नहीं हुए। लालू ने दावा किया है कि दोबारा महागठबंधन में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी प्रशांत किशोर को 5 बार उनके पास बातचीत के लिए भेजा, लेकिन लालू ने नीतीश को वापस महागठबंधन में लेने से साफ इनकार कर दिया। लालू की इस किताब की माने तो उन्होंने नीतीश कुमार की महागठबंधन में दोबारा एंट्री पर इसलिए रोक लगा दी क्योंकि नीतीश ने उनका भरोसा तोड़ दिया था और वो उन पर दोबारा विश्वास नहीं कर सकते थे। लालू ने इस किताब में कहा है कि उन्हें नीतीश कुमार से कोई नाराजगी नहीं थी, मगर उन्हें इस बात को लेकर चिंता थी कि अगर उन्होंने प्रशांत किशोर की बात मानकर नीतीश को दोबारा महागठबंधन में शामिल कर लिया तो बिहार की जनता इसको किस तरीके से लेगी। लालू ने इस किताब में यह भी दावा किया है कि नीतीश कुमार को फिर से महागठबंधन में शामिल कराने के लिए प्रशांत किशोर ने उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी। प्रशांत किशोर ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि अगर ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी जीत होगी और बीजेपी को इन दोनों राज्यों से समाप्त कर दिया जाएगा। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने पिता के इन दावों को सही ठहराया है। हम दावे के साथ ठोकर के कह सकते हैं कि कई बार नीतीश कुमार जी ने यह प्रयास किया और हम बिना प्रमाण की नहीं बोलते, हम लोग झूठ नहीं बोलते, पूरे प्रमाण के साथ कब, कितने बजे और किस किस तरीके का ऑफर से हम लोगों को दिया गया ये सब हम लोग जानते हैं और उस किताब में सारी चीजें हैं। लालू के सनसनीखेज दावे को लेकर प्रशांत किशोर, जो अब जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं, ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सभी दावों को पूरे तरीके से बोगस करार दिया है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि लालू प्रसाद यादव ने अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए एक नाकामयाब कोशिश की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू के अच्छे दिन अब पीछे रह गए हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने इस बात को स्वीकार किया कि जेडीयू में शामिल होने से पहले उन्होंने लालू यादव से कई बार मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने अगर इस बात का खुलासा कर दिया कि दोनों के बीच इस दौरान क्या क्या बातें हुई तो लालू यादव को शर्मिंदगी उठानी पड़ जाएगी। उधर बीजेपी ने लालू के इस दावे पर तंज कसा है। नहीं, इस तरह बेबुनियादी बातें हैं, कहीं इसका कोई आधार नहीं है। किसी को किताब लिखना है वो कुछ भी लिख दे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका कहीं ऑथेंटिक आधार हो गया और उसको आप कहीं अपने माध्यम से रखने का काम करें, ये उचित नहीं है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लालू यादव ने इसे महागठबंधन का नाम दिया था। चुनाव बाद करीब 2 साल तक दोनों ने मिलकर सरकार चलाई, लेकिन फिर नीतीश महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ चले गए थे। अब लालू दावा कर रहे हैं कि नीतीश ने दोबारा महागठबंधन में आने के लिए उनके पास संदेश भेजा था। ये सरासर झूठ है, गलत है, बेबुनियाद है। मैं पार्टी का वरिष्ठतम पदाधिकारी होने के नाते इसको डिनाई करता हूँ। पार्टी में किसी भी स्टेज पर कभी भी और कहीं भी इस तरह का विचार पार्टी में नहीं आया कि हम महागठबंधन में दोबारा लौटें। 11 तारीख को चुनाव का पहला मतदान है, उससे उसको प्रभावित करने के लिए, हमारे गठबंधन में दरार डालने के लिए, रैंक एंड फाइल में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बार बार इस तरह की बयानबाजी होती है। लालू प्रसाद यादव की आत्मकथा जल्द आने वाली है। लालू ने ये किताब नलिन वर्मा के साथ मिलकर लिखी है, जिसका प्रकाशन रूपा पब्लिकेशंस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।